हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे राजस्थानी बाफले और राजस्थानी बाटी बनाना, जो राजस्थान की मशहूर डिश है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग सीख सकें राजस्थान की मशहूर डिश बाटी बनाना। इसके लिए हमें सबसे पहले घर में जो हमारे डेली में उपलब्ध रहता है वो हमें आटा चाहिए। ये हम ले लेंगे प्लेन आटा। इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है बाफले बनाने में या बाटी बनाने में जो राजस्थान की है वो मशहूर चीज़ होती है सौंफ। हाँ दोस्तों, सौंफ खाने को पचाने में तो इजी होती ही है, उसके अलावा ये आपके खाने के टेस्ट को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। हम इसमें डालेंगे कम से कम 2 बड़ी चम्मच टीस्पून सौंफ। इसके बाद हम इसमें डालेंगे, क्योंकि ये हमारी मसाला बाटी और बाफला है तो इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च। तो इसमें हम डालेंगे, अगर आपके पास 4 कटोरी आटा है, जैसे हमने 4 कटोरी आटा लिया है, तो आप डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच काली मिर्च। काली मिर्च से टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये हेल्थ के लिए भी अच्छी रहती है। तो हम इसमें काली मिर्च डालेंगे और फिर इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच हल्दी। 4 कटोरी आटे में 1 चम्मच हल्दी डलेगी दोस्तों। और इसके बाद डालेंगे हम इसमें नमक। नमक भी हम इसमें, अगर 4 कटोरी आटा है तो हम 3 चम्मच नमक डाल देंगे। ये हमने 3 चम्मच नमक डाल दिया इसमें। और उसके बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे। ये देखिए, ये धनिया पाउडर हुआ है 1 स्पून। हम इसमें इतना ही धनिया पाउडर डाल देंगे। इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा जीरा इंक्लूड करेंगे। वैसे हमने सूप डाल दिया तो जीरे की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा बिल्कुल 1 या 2 चुटकी जीरा इंक्लूड कर लेंगे। थोड़ा सा धनिया पाउडर और डालेंगे और फिर इसमें डालेंगे 3 बड़े टीस्पून ऑयल। इससे क्या होगा, हमारे जो बाफले हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। बस दोस्तों, अब हमें इसके बाद इसे क्या करना है, इसे अच्छे से मैश कर लेना है। इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे और फिर इसके बाद दोस्तों हम इसे पानी डाल के अच्छे से गूंथ लेंगे। और इसे हम बिल्कुल टाइट आटा गूंथेंगे, जैसा हम पूड़ी का आटा गूंथते हैं उससे भी थोड़ा टाइट आटा होगा, क्योंकि हमने जो इसमें ऑयल डाला है वो इसको नरम बना देंगे हमारी बाटी को, बाफले को। और साइड में हम क्या करेंगे, एक बर्तन में पानी चढ़ा देंगे गैस पे, चाहे वो कढ़ाई हो, भगोनी हो, जिस भी बर्तन में आप पानी चढ़ाएं उसे गर्म करने के लिए रख देंगे और इस आटे को अच्छे से खून देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बाटी का बाफले का आटा तैयार है। तो ये हमारे हो गए मसाला बाटी, राजस्थानी प्रसिद्ध बाफले और बाटी, तीनों चीज़ों का आटा तैयार है। अब हम इसमें से क्या करेंगे, थोड़ा सा आटा लेंगे और बाटी या बाफले का लोया बनाएंगे। राजस्थान के जो बाटी और बाफले होते हैं वो साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं, तो इसलिए हम लोया थोड़ा बड़ा लेंगे। उसे अच्छे से मैश कर लेंगे और ये हमारी बाटी का लोया तैयार है। इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, हम इसे सॉफ्ट करने के लिए पानी में बॉईल करेंगे। तो हम गर्म पानी जो हमने चढ़ाया है गर्म होने के लिए, उसमें हम इस जो हमारा लोया तैयार है इसमें 1 फिंगरप्रिंट्स कर देंगे, ताकि जब हम पानी में डालेंगे तो इसमें से पानी अंदर जाके और अच्छे से हमारे पूरे लोहे को पका दे। ठीक है, तो ऐसे ही हम और लोहे तैयार कर लेंगे। ये हमारे बाफले और बाटी के जो लोहे तैयार हैं, इसे हम बॉयल वाटर करने जो हमने रखा था, एक कढ़ाई में जो हमने बॉयल वाटर किया उसके अंदर डाल देंगे। इससे जो हमारे बाफले होंगे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे और बहुत शानदार बनेंगे। राजस्थानी बाफले बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उन्हें आप गर्म पानी में बॉईल कर दीजिए। इस तरह से आप इसे डालने के बाद इसे झाड़ी से अच्छे से हिला दें, ताकि जो बाफले हैं ये पानी में चिपके नहीं और नीचे से ऊपर से सब तरफ से अच्छे से ये सिक जाएँ। तो हर तरफ से आप इन्हें हिलाइए, ताकि जो लोहे हैं जो मोटे हैं ये कच्चे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, 2 मिनट के बाद जब अच्छे से हमारे बाफले के लोहे बॉईल हो गए, उसके बाद ये ऊपर आ गए। अब हमें इसे क्या करना है, ये पके हुए बाफले के जो लोहे हैं इन्हें निकाल लेना है एक बर्तन में, और निकालने के बाद 2 मिनट तक पंखे की हवा में सूखने के लिए रख देना है। फिर बाफले को या बाटी को हम सेकेंगे। ठीक है, बाफला सेकने का तरीका, सबसे पहले हम एक ओवन लेंगे, उसको 2 मिनट के लिए गैस पे खाली चढ़ा देंगे, सिम आँच पे। अच्छे से याद रहे, सिम आँच पे, खाली गैस पे सिम आँच पे हम ओवन को 2 मिनट के लिए चढ़ा देंगे। अब 2 मिनट बाद हम इसे उखाड़ेंगे, हमारा ओवन गर्म हो चुका है। इसमें हमने जो ये बाटी के लोहे बनाए थे जिन्हें हमने सुखा दिया है, इनको अच्छे से जमा देंगे। गैस के आँच सिम रहने देनी है, अच्छे से याद रखें गैस के आँच को सिम ही रखना है। और ये हमने इसको जमा दिया है सारी बाटियों को, और इसके बाद हम इसे
ओवन के ढक्कन से ढक देंगे। ये देखिए हमने ओवन के ढक्कन से इसको ढक दिया है। इसे हम 2 मिनट के लिए ढके रहने देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसे वापस से उगाड़ेंगे और बाटियों को पलट देंगे। अच्छे से याद रखें हमारे गैस की जो आँच है वो बिल्कुल सिम पे रखी है हमने गैस, ताकि हमारी बाटी जल ना जाए। ऐसे ही प्रोसेस आप 5 से 6 बार करें। हम वापस से ओवन को उखाड़ेंगे और हमारी बाटियों को उलट देंगे। ये देखिए हमारी बाटी हल्की हल्की ब्राउन होने लगी है, मतलब ये सिकने लग गई है। ये हल्की हल्की ब्राउन बाटी हो रही है, मतलब ये सिक रही है। ऐसा हमने 5 से 6 बार किया है। हमने हमारे धीमी आंच पर रखे हुए ओवन के अंदर की बाटी को 3-4 बार पलटा है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हमारी जब बाटी लाल लाल हो गई है तो इसके बाद हम गैस की आँच को फुल कर देंगे। गैस की आँच को फुल करने के बाद हम बाटी को चेक करेंगे। तो दोस्तों गैस की आँच को फुल करने के बाद हम देखेंगे, वाह ये हमारी बाटी अच्छे से सिक के तैयार है। दोनों तरफ से अच्छे से सिक गई है। तो इसे हम एक बार वापस से पलटेंगे, देखेंगे दोनों तरफ से सिक गई है। हाँ ये हमारी बाटी अच्छे से बाफला है, हमारा रेडी है। अब हमारी सिकी हुई कुरकुरी बाटी को एक कपड़े के सहारे से हम उठाएंगे और ओवन से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए हमने इसे अच्छे से निकाल लिया। इसके बाद हम इस बाफले को अच्छे से कपड़े के सहारे से मैश कर देंगे, ठीक है, और फिर हम इसे घी में डालेंगे। अब दोस्तों हम हमारे इस बाफले को घी में डाल देंगे, घी के बर्तन में। जितना अच्छा घी होगा उतना ही अच्छा हमारे बाफले का बाटी का स्वाद आएगा। इसे हम अच्छे से घी में डुबो देंगे और ये जो खाली जगह है इसको हम बीच में से खोल के इसमें 1 या 2 चम्मच गाय का घी डालेंगे। गाय का घी फैट फ्री होता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और टेस्टी भी होता है। अब इसे हम निकालेंगे और एक बर्तन में अपने बाफले को डाल लेंगे। तो ये देखिए हमारे बाफले रेडी हैं। अब हम इसे गट्टे की सब्जी के साथ, दाल के साथ, चटनी के साथ खाएंगे, लोगों को खिलाएंगे, इंजॉय करेंगे। तो अब हम आपको थाली जमा के दिखाते हैं। तब तक आप बनाइए बाफले, खिलाइए, खाइए, मज़े कीजिए, इंजॉय कीजिए। टेक केयर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।